अच्छा, लेकिन ऑपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद बचर साहब ने ये कहा था कि वो बनीगाला इसलिए नहीं रुकी कि बनीगाला बग्ड है, और लाहौर में ना आने की वजह ये है कि उनको ये लगता है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा उनको गिरफ्तार करवाना चाहती हैं। तो जिस दिन मलिक साहब ने ये बयान दिया, सेम डे वो लाहौर पहुंच गई, इसके इसके पीछे क्या वजह सर? जी वो लाहौर गई है जी, और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पंजाब जो है वो इस किस्म का कोई गलत इकदाम नहीं उठाएगी, और उन्हें वहाँ चैन और सुकून से जो वो बसर करना चाहती हैं वो बसर करें। उनके बहुत से चैलेंजेस हैं, खान साहब अभी जेल में हैं और खान साहब की रिहाई जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है पूरी पार्टी के लिए भी, और आई एम श्योर उनकी फैमिली के लिए, उनकी बेगम साहबा, उनकी बहनों के लिए। तो हम चाहते हैं कि हमारी सारी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो खान साहब की रिहाई के ऊपर हो, और ये जो हम एजिटे ये जो सियासत ये जो हम पोलिटिकल बैटल जो हम फाइट करने जा रहे हैं नवम्बर के महीने में, इसका भी प्राइम मकसद जो है वो खान साहब की रिहाई है। तो आई एम श्योर कि हम सब लोग फोकस्ड हैं अपने इस प्रिंसिपल मोटिव के ऊपर, और हमारी तमाम जो सकत और ताकत है वो इसी तरफ डायरेक्ट होगी इन द कमिंग वीक्स एंड मंथ्स। और राउत साहब, कभी खान साहब ने कहा है कि उनकी बहनें या उनकी अहलिया बुशरा बीबी वो सियासी मामलात में कोई दिलचस्पी लेती हैं, या आप लोगों की मामलात के अंदर, मीटिंग्स के अंदर या सियासी फैसलों के अंदर खान साहब की बहनों ने या बुशरा बीबी ने कभी कोई मुदाखलत की है? ये आपको पता है कि बसा औकात इन पब्लिक प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ें आ चुकी हुई हैं कि जी खान साहब को चाहिए कि अपने बच्चों को बुला लें या ये कर लें या वो कर लें, लेकिन खान साहब की एक कंसिस्टेंट पोजीशन रही है। उन्होंने कहा है कि मैं इस पार्टी को मारूसी पार्टी नहीं बनाना चाहता, और ये कि मेरी फैमिली का सियासत से कोई अमल दखल नहीं होगा, ये एक प्रोफेशनली मैनेज पोलिटिकल पार्टी होगी, और इंतखाबात के तहत जो भी आगे इलेक्ट होगा वो इस पार्टी को लीड करेगा। अभी तक तो खान साहब हैं, वो जब तक अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत दे, वो जब तक उनका साया कायम है वही है पार्टी के चेयरमैन, वही हमारे लीडर भी हैं। और देखिए जब ये मौका आया था, जब उनको नाअहल किया गया था, तो उस वक्त अगर वो चाहते मारूसी सियासत को अपनी पार्टी में राइज करना, तो वो अपनी बेगम साहबा को देते या अपनी बहन को देते या अपने बेटों को बुला लेते, कासिम को, सलेमान को भी बात, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया, और उन्होंने वही किया जो कि एक जमहूरी जहन कटने वाला शख्स करता है। उन्होंने कहा जी कि ठीक है ये साहब हैं, उनको उन्होंने चेयरमैन बना दिया, बाकी सेक्रेटरी जनरल या बाकी और इम्पोर्टेंट रोदों के ऊपर भी आप देखिए कि पार्टी के जो वर्कर्स हैं उन्हीं को वो उनको उन्होंने अपॉइंट किया। कोई उनकी फैमिली का बंदा जो है इस वक्त किसी पार्टी को देखने के ऊपर फायज नहीं है। सो ये उनकी जहन की गमाजी करता है, उनकी सोच की गमाजी करता है, और वो इसी तरह से सोचते हैं कि ये पार्टी जो है इसको पार्टी के जो है वर्कर्स एंड एक्टिविस्ट हैं वही चलाएंगे, वही आगे देंगे।